वैलेंटाइन डे है और एक नौजवान लड़का फूल खरीद रहा है, इससे बात करेंगे कि फूल किसके लिए खरीद रहा है। मेरा ख्याल है ये भी लेके जाना है मैंने। अच्छा, ये वाला क्यों नहीं, ये उनके लिए बड़ा तोहफा है हमारे तरफ से। आती हैं या लड़के आते हैं? लड़कियां भी आती हैं, लड़के भी आते हैं, दोनों। हमारे इस्लाम ने जब इजाज़त नहीं दी हुई ये काम करने की, हाँ। तो फिर हम ये काम करते अच्छे तो नहीं लगते। क्यों पे पैसा बर्बाद कर देते हैं, उनको फूल देते हैं, फिर उसके बाद गलत काम के लिए ले जाते हैं, बाद में सड़कों पे भी वही आए हुए होते हैं। वैलेंटाइन डे है और एक नौजवान लड़का फूल खरीद रहा है, इससे बात करेंगे कि फूल किसके लिए खरीद रहा है और वैलेंटाइन डे है, जाहिर सी बात है यहाँ इस दिन में। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक ठाक, शुक्र। कैसे हो आप? ठीक हो? लगा शुक्र। किसके लिए खरीदारी कर रहे हो फूलों की? सर लोग तो अपनी जीएफ के लिए लेके जाते हैं, पर मैं अपनी वालदा के लिए लेके जा रहा हूँ। अच्छा, वालदा के लिए लेके जा रहे हो, पेरेंट्स के लिए? जी जी। क्या बात है। तो लोग तो ये दिन तो वैलेंटाइन डे जो है ये ज़्यादातर लड़कियाँ और लड़के मनाते हैं, जो बस अपने अपने दिल की बात है, कहीं अपने जीएफ वगैरह को देते हैं, पर लेकिन नहीं, हमने अपने वालदा को देना है। वालदा का से प्यार है हमें। हाय हाय, वालदा के लिए? जी जी। तो नहीं रखी हुई? नहीं, शौक ही नहीं है, होती तो उसको ना देते, वालदा है उनको देना है। अच्छा, जो लड़कियों को फूल शूल देती हैं और इस दिन का नाजायज़ फ़ायदा उठाती हैं, और ये रस्म भी हमारी नहीं है वैलेंटाइन डे। हमारे इस्लाम ने जब इजाज़त नहीं दी हुई ये काम करने की, हाँ। तो फिर हम ये काम करते अच्छे तो नहीं लगते। बहरहाल इस्लाम में इजाज़त नहीं है इस चीज़ की, बात है। यानी कि माँ बाप को फूल देने चाहिए, माँ बाप क्यों नहीं, क्यों नहीं, उन्होंने हमें पैदा किया है, उन्होंने हमें पाला है, हमें बड़ा किया है, हर चीज़ की है, हमारी हर बात मानते हैं, हमारा इतना नहीं फर्ज बनता कि हम उनको, ये एक दिन नहीं होता है ना जिसको मर्जी दे दें, बट बहरहाल नहीं, हमने अपनी वालदा को देना है, माँ को देना है। जी जी, क्यों नहीं? वालिद के लिए भी कुछ सोचा है कि गिफ्ट, वालिद से भी प्यार होना चाहिए, माँ बाप से नहीं, सिर्फ माँ के लिए? वालदा के लिए, वालिद साहब तो फोत हो गए हैं, मैं इंतकाल कर रही हूँ, सिर्फ वालदा के लिए लेके जा रहे हैं। तो कौन कौन से फूल खरीद रहे हैं अभी? तो मैं पसंद कर रहा हूँ, रेट का आ रहा था इनसे। अच्छा, मेरा ख्याल है ये भी लेके जाना है मैंने। अच्छा, ये वाला? क्यों नहीं, ये उनके लिए बड़ा तोहफा है हमारे तरफ से, माशाल्लाह। है तो उनकी नज़रों में छोटा, बहरहाल हमारी नज़रों में ये ठीक है। ये भी सही बात है जी, वालदा के लिए ये होता है कि असल जो माँ से मोहब्बत का जो इजहार है ना, वो फूलों से करना चाहिए। और ये जो वैलेंटाइन डे है, इस दिन में लड़का लड़की नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं इस दिन का, और ज़्यादातर गलत काम भी किया जाता है इस दिन में। तो यही मैसेज है कि इस दिन को मनाया ही ना जाए, पहली बात तो ये है। अगर मनाना ही है तो अपने बड़ों से प्यार करें, बड़ों को फूल दें, वालिदैन को दें, पेरेंट्स को दें। तो ये जो लड़के लड़कियों पर पैसा बर्बाद कर देते हैं, उनको फूल देते हैं, फिर उसके बाद गलत काम के लिए ले जाते हैं, बाद में सड़कों पे भी वही आए हुए होते हैं। सड़कों पे भी वही आए होते हैं, बड़ों पे भी वही दलील, ऐसे ही ऐसे ही है। अच्छा, सही हो गया जी। तो कौन सा फूल खरीद रहे हैं भैया? ये कितने का दे रहे हैं आप? 200 का। 200 रुपए का, ठीक हो गया। और कौन कौन सा पसंद किया आपने अभी? तो फिलहाल एक ये किया है, कुछ दो चार ये देखेंगे, कुछ दो तीन ये देखेंगे। अच्छा, दो तीन गजरे भी देखेंगे। हाँ जी, ठीक हो गया। तो ये 200 का, आपने भी वैलेंटाइन डे था, आपने कहा मैं भी लगा लूं फूल? नहीं नहीं, ये हम लोग तो रेगुलर फूल बेचते हैं। रेगुलर बेचते हैं? जी जी जी। ठीक हो गया। तो आज ये जो खास तो गुलाब के जो फूल रखे हुए हैं आप? हाँ जी, ये वैलेंटाइन डे की वजह से लोग आके खरीदते हैं लोग। अच्छा, ज्यादातर लोग लड़के आते हैं, लड़कियाँ आती हैं या लड़के आते हैं? लड़कियाँ भी आती हैं, लड़के भी आते हैं, दोनों। लड़कियाँ भी आती हैं, लड़के भी आते हैं खरीदने के लिए? बिल्कुल। तो ये हालात है जी, हम तो यही मैसेज देंगे कि ये जो दिन है वैलेंटाइन डे, ये तो मनाना ही नहीं चाहिए। अगर आपने मनाना ही है तो इसको अच्छे तरीके से मनाएं, इसको पेरेंट्स को दें, अपने माँ बाप को दें जिनसे आप प्यार करते हैं। ये लड़कियाँ ले जाती हैं लड़कों को देने के लिए, लड़के ले जाते हैं लड़कियों को देने के लिए, और वो चंद महीनों की मोहब्बत होती है, जब उनका मतलब पूरा हो जाता है तो फिर तुम कौन और मैं कौन, ये सारी बात होती है। तो कभी गर्लफ्रेंड बनाई है आपने? नहीं, कभी लाइफ में सो होती तो मैं उनको ना देने चले जाता। अच्छा, गर्लफ्रेंड नहीं है इसीलिए जो है ना। क्या पेरेंट्स ने क्या कहा है कि लड़कियों से दूर रहें? पेरेंट्स ने अपने दिल मानने की बात होती है, वालदा को ही देना है, अभी भी वालदा को ही देना है। लो जी, और फूल आ गए जी। ये समझ लें कि आज वैलेंटाइंस डे है और ये नौजवान फूलों की ख़रीदारी कर रहा था, तो मैंने सोचा यार इससे भी बात कर लें कि ये फूल किसको दे रहे हैं, क्योंकि हमारा मुआशरा गलत साइड पर ज़्यादा जा रहा है। तो बड़ी अच्छी बात है, इसने कहा मैंने अपनी वालदा को फूल देने हैं। और जो लड़कियों को फूल देते हैं वो सरासर बेवकूफ़ होते हैं, और वो इस दिन का नाजायज़ फ़ायदा भी उठाते हैं। चंद महीनों की मोहब्बत होती है, उसके बाद तू कौन और मैं कौन, ये सारी बात सिर्फ पैसों की होती है। लड़कियां ज़्यादातर पैसा खाने वाली होती हैं, सिर्फ पैसा बात है, पैसा खा लिया, कोई और नया बना लिया,
फिर पैसा खा लिया, फिर नया बना लिया, ये तो चल ही रहा है। बहरहाल नहीं, वालदा को जो प्यार है फिर उनका प्यार भी नहीं। जी कौन कौन सा पसंद किया आपने अभी तो फिलहाल? ये है एक वो देखा है, ये दो पसंद का आ रहे हैं। नागरिक इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये जो दिन मनाते हैं लड़के और ये लड़कियां इस तरह के गलत काम करते हैं, जो चंद महीनों की मोहब्बत की खातिर जो है ना, इश्क मशूकी की खातिर वो पड़ जाते हैं और फिर भूल देते हैं और फिर उसके बाद ब्रेकअप भी हो जाता है, तो वो लोग जो है ना ज़्यादातर इस साइड पे आ जाए कि अपने पेरेंट्स को दे भूल, अपने पेरेंट्स से मोहब्बत का इजहार करें कि उनसे कितनी मोहब्बत करते हैं, उनसे कितना प्यार करते हैं। तो बड़ी बात है जी, बहुत शुक्रिया भाई आपका। आज पहली मर्तबा मुझे ऐसा लड़का मिला कि जो कहते हैं मैंने अपने माँ बाप को भूल देने, मैं लड़कियों से मोहब्बत नहीं करता ना मुझे शौक है करने का। तो ये दिखाना बहुत ज़रूरी था, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।